अभी एज आई स्पीक मिलियंस ऑफ लोकस्ट आर ईटिंग एंड डैमेजिंग आर क्रॉप्स। मेनी पीपल आर इवन स्पॉटिंग दीज इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर होम्स और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर बड़े बड़े इंसेक्ट्स देख रहे हैं ये कोई मामूली मच्छर नहीं है बल्कि ये हैं भूखे डेजर्ट लोकस्ट जिनका पूरा मकसद ये है कि वो हमारे क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा खा सकें। मोर देन हाफ ऑफ राजस्थान 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन इंपैक्टेड ऑफ दिस इन्वेजन। उत्तर प्रदेश की नियरली 17 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक लोकस्ट अपना इंपैक्ट दिखा चुके हैं। In fact, 5 states in India that are Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra have reported damage to their crops because of these locusts. और ये लोकस्ट है क्या और जहाँ पे हम एक तरफ इतने बड़े पैंडेमिक से डील कर रहे हैं उसके बीच में ये लोकस्ट हमें कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। These locusts are short-horned grasshoppers and are known as the oldest and one of the most destructive migratory pests in the world. और ये इसलिए बिकॉज दे कैन ईट लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स सीड्स विच मीन्स बेसिकली एवरी ग्रीन वेजिटेशन दे सी। दे आर वेरी डेंजरस वेन दे आर इन ग्रुप्स एंड इन ग्रुप्स दे आर नोन एज लोकस स्वॉर्म्स। दे कैन ट्रेवल अप टू 150 किलोमीटर्स इन डे वाइल दे डिवोर आर क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। अकॉर्डिंग टू कीफ प्रेसमैन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दे ब्रीड सो फास्ट दैट देयर नंबर कैन राइज बाय 16,000 टाइम्स बाय थर्ड ब्रीडिंग। One swarm can have as much as 18 million locusts and one square kilometer locust swarm can eat the same amount of food in one day as about 35,000 people. इससे पता चलता है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक हैं। टेक पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, देयर अटैक्स हैव कॉज्ड एज मच एज 40% डैमेज टू देयर क्रॉप्स इन मेनी रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड हैज क्रिएटेड अ फूड सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। आफ्टर डैमेज टू देयर विंटर क्रॉप्स द गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर इट एज अ नेशनल इमरजेंसी। सिचुएशन इतनी खराब है कि द यूएन एजेंसी एस्टिमेट्स लॉस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द कंट्री और इसका सीधा इम्पैक्ट वहाँ की फूड अवेलेबिलिटी पर पड़ेगा। और इंडिया की अगर बात करें तो ये तो बस शुरुआत है। बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एवरीथिंग हैज स्लोड डाउन। ऊपर से इस टाइम पर अगर लोकस्ट ने हमारे क्रॉप्स को डैमेज किया तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फार्मर्स पर जिनका क्रॉप डैमेज हो जाएगा और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा हम पर जब फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। This outbreak has impacted other countries as well. The current locust outbreak is the biggest in 25 years in Ethiopia and Somalia, 26 years in India and 70 years in Kenya. But do you want to know ki ye India mein kaise aaye? Actually, they attack every year. पर इस साल उन्होंने अपनी एंट्री कुछ ज्यादा ही जल्दी मारी है। एवरी ईयर वी स्पॉट लोकस्ट इन राजस्थान एंड गुजरात फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर बट दिस ईयर दे वर स्पॉटेड इन जैसलमेर ऑन अप्रैल 11th और अभी तो इनका ब्रीडिंग सीजन बाकी है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस डिस्टर्बिंग पैटर्न इज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। येमेन ओमान एंड सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंस टू साइक्लोन इन 2018 विच टर्न्ड ड्राई एरियाज इनटू लेक्स। बस This gave locust a perfect opportunity to multiply in numbers. इसके बाद भी in the next months, Pakistan, Iran and India faced abnormal weather condition. Many regions in these countries experienced excessive rainfall and extended monsoon periods. This map by UN's Locust Watch shows us how these swarms are migrating from Iran, Pakistan to India. Now, while we are already facing a problem because of this pandemic which has infected over 1.5 lakh Indians, these locusts have presented a new problem. Social media is flooded with videos of these locusts being spotted in various regions of India. Rajasthan has decided to use drones to control these pests. The UP government has declared a statewide alert aur kareeb 200 se zyada tractors in locusts ko bhagane ke liye chemical spray kar rahe hain. The governments are also planning to use planes to spray pesticides to contain this problem as soon as possible. अब देखना ये होगा कि इससे damage कितना होता है। क्या हमारी हालत भी East African countries और Pakistan जैसी होगी या फिर हम इसे जल्द से जल्द control कर लेंगे। That's all for now. If you like this video, do not forget to drop in a like and subscribe to India Times.